बाड़ मित्रों दिव्यज्योति ऑनलाइन सेशन में आजनो आपणो सब्जेक्ट है गुजराती जेनू टॉपिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ने वाले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, परमाणु वैज्ञानिक एवं मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने बहुत सी अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने सिखाया है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ओके, सो आपको ध्यान से देखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर तमिलनाडु में। उनका जन्म जो है 15 अक्टूबर को 1931 में रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 में शिलोंग मेघालय। उनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई को 2015 में शिलोंग मेघालय में हुई थी। भारतना 11वां राष्ट्र प्रमुख, जाणीता वैज्ञानिक अने मिसाइल मैन। भारत के 11वें राष्ट्र प्रमुख और जाणीते यानी जाने माने वैज्ञानिक और मिसाइल मैन थे। तेमना पितानु नाम जैनुलुद्दीन अने माताओं नाम आशियामा हतु। उनके पिता का नाम क्या था? जैनुलुद्दीन, और माता का नाम था आशियामा। तेओ खूब गरीब कुटुंब में उर्छाया हता। उनका जो जन्म है बहुत गरीब परिवार में हुआ था। तेओ मुसलमान होवा छता हिंदू वच्चे लांबो समय रहा होवानु तेमने पर हिंदू संस्कारों मोटो प्रभाव पड़ियो होतो। वो कौन सी जाति के थे? मुसलमान जाति के थे। छताए का मतलब फिर भी वो हिंदू के बीच में लांबो समय यानी लंबे समय तक वो रहे थे, तो उस कारण तेमना पर हिंदू संस्कारों मोटा प्रभाव पड़ा। उनके ऊपर जो हिंदू संस्कार के मोटा प्रभाव यानी बड़ा सा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। तेओ शुद्ध शाकाहारी था। देखो उनमें खासियत क्या थी? मुसलमान होने के बावजूद भी वो शुद्ध शाकाहारी थे। तेओ उड़ी देश ध्वज धरावता हता। तेमना प्राथमिक अने माध्यमिक शिक्षण रामेश्वर में लीधुं हतुं। उनका जो पढ़ाई है प्राथमिक और माध्यमिक कहाँ पे हुई थी? रामेश्वर में हुई थी। शाळानी फी भरवा एमना पिता पोतानी होड़ियों माछीमारों भाड़े आपता। होड़ियों यानी नाव जो होती ना माछीमार यानी जो माछी पकड़ने वाले होते उनको नाव जो है उनकी पढ़ाई के लिए फीस भरने के लिए माछीमारों को क्या भाड़े से देते थे। तेमनू समग्र शिक्षण भारत ज लीधुं हतुं। उन्होंने जो है उनका समग्र शिक्षण यानी जो पूरी पढ़ाई थी वो कहाँ ली थी? उन्होंने भारत में ही पूरी की थी। उच्च अभ्यास माटे तेओ कभी विदेश गया न होता। मतलब उच्च अभ्यास यानी आगे की पढ़ाई के लिए वो कभी भी विदेश नहीं गए थे। चेन्नई माथी इंजीनियरिंग में DMIT थया। वहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग जो है वो कहाँ की थी? चेन्नई में DMIT थया हता। तेओ पोतानी धगस अने मेहनतना परिणाम में श्रेष्ठ वैज्ञानिक बनी सक्या। धगस यानी उनकी जो मन की धगस थी, उनकी मेहनत मतलब उनकी जो मन से जो मेहनत करते थे उनका परिणाम श्रेष्ठ, उनके परिणाम की वजह से वो क्या है, वो एक महान वैज्ञानिक बने। तेमने अनेक संस्थाओं में विज्ञान विशेषज्ञ तरीके पण काम कर्यु हतु। उन्होंने अनेक संस्थाओं में विज्ञान पे क्या किया था? काम किया था। भारत ने प्रक्षेपास्त्र मिसाइल ना क्षेत्र महान सत्ता बनावामां तेमनो बहु मोटो फाड़ो यानी उनका बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। मिसाइल बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। कठोर अने प्रतिकूल संजोगों तेमज ओछा साधनों छता तेमने इंटीग्रेटेड
गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पार पाड़ियो। उन्होंने क्या है, ये जो मिसाइल का जो नाम दिया गया है वहाँ पे प्रतिकूल मतलब कठोर अने प्रतिकूल संजोगों में, यानी मतलब बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों के सामना करते हुए और ओछा साधनों कम सामग्री में उन्होंने जो है वो ये मिसाइल पार पाड़ी मतलब पार किया था उन्होंने। तेमने साथियों साथे मड़ीने टूकी मध्यम अने लांबी अविध ना प्रक्षेपास्त्रो विकसवावी अपूर्व सिद्धि हासिल करी। उन्होंने उनके फ्रेंड्स जो साथी थे उनके साथ मिलकर टूक मध्यम अने लांबी अवधि प्रक्षेपास्त्रो विकसवावी अने सिद्धि हासिल करी थी। उन्होंने क्या थी यहाँ पे बहुत लांबी जो है वो मतलब टूकी साथियों साथे मड़ी ने उनके जो साथी थे उनके साथ मिलके उन्होंने मध्यम और लंबी मध्यम यानी मीडियम लंबी यानी बहुत लंबी अवधि उन्होंने क्या की थी अपूर्व सिद्धि हासिल की थी। परिणामे तेवा संरक्षण विभागना वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त थया। पायलट विना कामगिरी बजावतु दूरसंचालित निशांत विमान विकसावी युद्धनी तासीर बदली नाखे तेवी सिद्ध मेड़वी। उन्होंने कौन सी मिसाइल की थी निशांत विमान विकसावी मतलब वहाँ पे बिना पायलट की जो वो काम कर सकती है, मतलब हम यहाँ पे बैठे बैठे जो है वो मिसाइल जो है उनको हम चला सकते हैं और उसके बदले तासीर बदली नाखे तेवी सिद्धि मेड़वी मतलब वो मिसाइल जो है हमें युद्ध में भी काम आ सकती है, वैसे मिसाइल उन्होंने रेडी की थी। भारतीय अवकाश संशोधन संस्था में जोड़ाईने तेमना गुरु परमाणु ऊर्जा पंचना अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाईए अने अवकाश पंचना अध्यक्ष डॉक्टर सतीश धवने चीधेला स्वदेशी टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में तेओने संपूर्णपणे अनुसरिया छे। फिर बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो किसके साथ जुड़ गए, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर सतीश धवने उनके साथ क्या वो जुड़ गए। प्रक्षेपास्त्रो अने अवकाश संशोधन में स्वदेशी निर्भरतानी हिमायत साथे देश ने रक्षा कवच पूरू पाड़वानी सिद्धि तेमने हासिल करी बतावी। उनके साथ मिलके उन्होंने स्वदेशी निर्भरतानी हिमायत साथे उनके हिमायत के साथ उन्होंने देश के रक्षा कवच पूरू पाड़वानी मतलब देश का जो रक्षा कवच है वो पूरू पाड़वानी यानी पूरा करने की सिद्धि हासिल की। पृथ्वी नाग त्रिशूल अने अग्नि जेवा प्रक्षेपास्त्रोनी श्रेणी तेमने राह भरी नीचे विकसवामां आवेली। आ उपरांत विविध प्रकारना रॉकेट अने मिसाइलनुं आयोजन तेमने करेलू छे। उन्होंने यहाँ पे जो है वो बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल का है जैसे पृथ्वी नाग त्रिशूल और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्रोनी श्रेणी मतलब उनको उनकी उपमा दी गई है श्रेणी राह भरी नीचे विकसवामां आवेली। आ उपरांत विविध प्रकारना रॉकेट उन्होंने इनके अलावा भी विविध प्रकार के जो है रॉकेट और मिसाइल जो है मिसाइलनुं आयोजन तेमने करेलू छे। उन्होंने आयोजन किया था स्वरक्षण अने अंतरिक्ष क्षेत्र विकास करी देश ने बड़वान बनावाना अनेक सपनाओ तेमने जोया हता। मतलब उन्होंने स्वरक्षण और अंतरिक्ष क्षेत्रों में विकास करने के लिए देश को बड़वान यानी मजबूत बनाने के लिए अनेक सपनानों मतलब उन्होंने अनेक मतलब बहुत सारे सपने जो है वो देखे थे। राष्ट्र प्रमुख तरीके प्रजाना हित ने अनुलक्षीन तेमना लाभ प्रदान होद्दानो खरडो भारत सरकारे सही कर्या विना परत मोकल्या हतो। बिहार में राष्ट्रपति शासन बादवानो केंद्र सरकारना निर्णय ने जारे तेओ रशियाना प्रवास में हता त्यारे तेमने मजूरी आपेली जे अंगे तेमने जाहिर में दिलगिरी व्यक्त करी हती। स्वदेशी भावना दृढ़ इच्छाशक्ति अने भारतीय
टेक्निकना पुरस्कर्ता डॉक्टर कलाम नवी पेढ़ी माटे घना आदर्श छे। यहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो पुरस्कर्ता, मतलब उनको बहुत सारे जो है पुरस्कार दिए गए थे। तो नवी पीढ़ी के लिए, जो नई पीढ़ी है उनके लिए क्या, वो बहुत ही आदर्श माने जाते हैं। हल्का वजन ना कार्बन कैलिपर्स बनावी पोलियोग्रस्त बाड़कों ने तेमने मोटी सेवा करी थी। उन्होंने बाड़कों यानी बच्चों की बहुत बड़ी सेवा की थी पोलियोग्रस्त करके। निरक्षरता अने गरीबाई ने राष्ट्रनी मुख्य समस्याओं घणी ते माटे सामाजिक परिवर्तन करी विद्यार्थियों अने युवानों ने तेमा जोड़ी भारत ने विकसित राष्ट्र बनावानुं काम ने तेवो जोश भेर वणगी रहा था। जोश भेर यानी जोरों शोरों में उन्होंने क्या, निरक्षरता और गरीब, मतलब जो गरीब लोग और राष्ट्र के जो मुख्य समस्याएं थी, जो उनके लिए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किए। विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट है अने युवाओं ना तेमा जोड़ी विद्यार्थी और इवान व्यक्तियों को उन्होंने उनके साथ जोड़कर विकसित राष्ट्र बनाया। हमारा जो राष्ट्र है विद्यार्थियों की सहायता से मदद लेके उन्होंने विकसित जो है हमारा राष्ट्र बनाया। काम ने तेओ जोश भेर वणगी रहा था। जोश भेर मतलब जोरों शोर से वणगी कर कामगिरी जो है वो कर रहे थे। बाड़कों युवानों अने आम जनता साथे सरळताथी हड़ी मड़ी जता निर्भिमानी प्रामाणिक अने भारोभार नम्रता धरावता आ वैज्ञानिक प्रजाना प्रमुख पीपल्स प्रेसिडेंट बनी रहया। मतलब यहाँ पे जो है युवा की सहायता से और बाड़कों और बच्चों और युवा की सहायता जनता के साथ जो है वो सरळताथी यानी सहल मतलब इजीली हड़ी मड़ी ने यानी मिलजुल के जता और निर्भिमानी प्रामाणिक यानी भारोभार नम्रता यानी नम्रता पूर्वक धरावता वैज्ञानिक प्रजाना प्रमुख पीपल्स प्रेसिडेंट बनया। प्रमुख प्रेसिडेंट जो है वो बने थे। तेओने प्रमुखीय कार्यकाळ पूरा थता सत्तानो मोह राख्यो वगर आसानी थी तेमने पोतानो होद्दो छोड़ी दीधो हतो। उन्होंने उनका जो प्रेसिडेंट की जो वो होद्दो था उन्होंने क्या है, तेमनो प्रमुखीय कार्यकाळ पूरू थता उन्होंने जो है सत्ता का जो है वो मोह बिल्कुल नहीं रखा और उन्होंने आसानी से उनका जो होद्दो है वो होद्दो यानी जो काम था वो छोड़ दिया था। तेमने अनेक किताबों मड़िया, उनको जो है अनेक किताबों का पुरस्कार दिया गया था। इसी सन 1981 में पद्म भूषण, उनको 1981 में कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म भूषण का अवार्ड मिला था। इसी सन 1990 में पद्म भूषण अने इसी सन 1997 में देशनो सर्वोच्च किताब भारत रत्न पर एनायत थयो हतो। आ उपरांत अन्य अनेक एवॉर्ड पण तेमने मळ्या हता। वडी 30 यूनिवर्सिटीओ तरफथी तेमने डॉक्टरनी मानह उपाधि आपवामां आवी छे। उनको जो है पद्मभूषण एवॉर्ड के साथ साथ उनको किताब सर्वोच्च भारत रत्न का जो किताब है वो भी दिया गया था। और त्रिशेक मतलब 30 जैसी यूनिवर्सिटी जो है उनकी तरफ से यानी उनकी ओर से डॉक्टर एटनी मनाहा उपाधि दी गई थी। बहुमुखी व्यक्तित्व धरावता कलाम साहेब रुद्र वीणा वगाड़ता हता। वो उनको और क्या हॉबी मतलब उनको और क्या शौक था, रुद्र वीणा वगाड़ता यानी बजाना, वो रुद्र वीणा बजाते थे। लेखन अने कविता में पण तेओ रस धरावता हता छे। उसके रुद्र वीणा के साथ साथ उनको कविता में भी क्या था, रस यानी रुचि धरावता यानी रुचि थी। तेओ तमिळ साहित्यना ऊंडा अभ्यासी हता।
તેમને તમિળ ભાષામાં કાવ્યો ઉપરાંત કેટલાક સુંદર પુસ્તકો પણ લખ્યા હતા. ઉન્હોને તમિલ ભાષા મેં બહોત સારી જો હે કાવ્ય ઓર બહોત સારી મતલબ સુંદર પુસ્તકે ભી ઉન્હોને ક્યા લિખી હતી. અંગન પંખ તેમનું જીવનચરિત્ર છે. ઉનમે સે એક કવિ એક પુસ્તક કા નામ થા કિતાબ પુસ્તક યાની કિતાબ ઉસકા નામ થા અંગન પંખ. ઉનકા ઉસમે જીવનચરિત્ર દર્શાયા ગયા. ઇન્ડિયા 2020 વિઝન ફોર ધ ન્યૂ મિલિનિયમ ગ્રંથ ભવિષ્યના ભારતનો આલેખ રજૂ કરે છે, જેમાં વાય એસ રાજન તેમના સહલેખ છે. બાળકોમાં વૈજ્ઞાનિક અભિરુચિ કેળવાય તેવા તેમના પ્રયત્નો રહ્યા હતા. અભિરુચિ યાની બાળકો મતલબ વિજ્ઞાન મેં જો હૈ વો રુચિ યાની ઉનકો મતલબ ઉનમે ઇન્ટરેસ્ટ આના ચાહીએ. ઉનકે હંમેશા સે યહી ક્યા થે પ્રયત્ન રહ્યા હતા. પ્રયત્ન યાની ઉનકે યહી હંમેશા સે ઈચ્છા રહી હતી. બાળકો સાથે વાતચીત કરવી તેમને ગમતી હતી. ઉનકો બાળકો સાથે વાતચીત યાની વાર્તાલાપ જો કરતે થે બચ્ચો કે સાથ વાતચીત કરના ક્યા ઉનકો બહોત અચ્છા લગતા થા ગમતી યાની અચ્છા લગતા થા. તેઓ નિયમિત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન પણ કરતા હતા. દેખો વો મુસલમાન હોને કે બાવજૂદ ભી નિયમિત યાની રોજાના વો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કા અધ્યયન યાની પડતે થે. રાષ્ટ્રપતિ ભવનના મુદલ ગાર્ડનમાં આયુર્વેદિક છોડ ધરાવતો બાગ તેમને વિકસવાયો છે. છોડ યાની પૌધે ઉન્હોને એક ગાર્ડન મેં આયુર્વેદિક છોડ મતલબ આયુર્વેદિક જો બા પૌધે થે ધરાવતો બાગ તેમને વિકસવાયો હતો વિકસવાયોની પ્રસિદ્ધ ક્યા હતા. સરળતા સાદગી અને ઉત્કટ રાષ્ટ્રપ્રેમ એ તેમના વ્યક્તિત્વની વિશેષતા હતી. તેઓ આપના ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે આપની વચ્ચેથી ચિરવિદાય લીધી. ઉન્હોને ચિરવિદાય યાની વો ઉનકા જબ દેહાંત હુઆ કબ હુઆ થા ઉનકા દેહાંત કબ હુઆ થા 27 જુલાઈ 2015 રોજે શિલાગો મેઘાલયમાં જાણે ભારતનો એક ઉજ્જવળ દીપ ઓલાઈ ગયો. ઉનકા દેહાંત કબ હુઆ થા 27 જુલાઈ 2015 કે દિન શિલાગો મેઘાલય મેં હુઆ થા જાણે ભારતનો એક ઉજ્જવળ દીપ ઓલાઈ ગયો. ઉજ્જવળ દીપ યાની ઉજાલા દેને વાલા દીપ ઓલાઈ યાની ભૂજ ગયા હો જૈસે ભારત કા એક જો ઉજ્જવળ દીપ થા વો ક્યા ભૂજ ગયા હો જૈસે ઇસ તરીકે સે માના જાતા હૈ. સો આપકો યહાં તક યે વિડિયો સમજ મેં આયા હોગા. અગર નહીં આયા તો યે વિડિયો દુબારા દેખના હૈ ઓર અચ્છે સે સમજના હૈ. ઓકે થેન્ક યુ.